हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरपंच और पुलिस की तत्परता से एक वृद्धा की जान बचाई। निकटवर्ती रायपुरा से रोड़ा दुलिया की सरहद पर वृद्धा सूखी देवी पत्नी अर्जुन भील निवासी डुंगरी उसके साथ 6 वर्षीय मृत बच्ची के साथ रोड़ा के पहाड़ के पास अचेत अवस्था में मिलने की जानकारी बकरी चलाने वाले ने सरपंच कृष्णराज पुरोहित को दी। तुरंत ही सरपंच द्वारा रानीवाड़ा थाना अधिकारी पद्माराम राणा को सूचना देने पर थाना अधिकारी पद्माराम राणा की टीम व सरपंच के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। वृद्धा को तत्काल मौके से अस्पताल पहुंचाकर वृद्धा की जान बचाई। 6 साल की बच्ची को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में पहाड़ों से होते हुए पैदल जा रहे थे, जिस कारण समय पर पानी नहीं मिलने से भी बच्ची की मौत हो सकती है। इस बारे में पुलिस द्वारा जाँच शुरू है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कृष्ण राज पुरोहित सरपंच ग्राम पंचायत सूरजवाड़ा इन्होंने ये कहा। सरपंच साहब, जो परसों एक रोड़ा के पास एक वृद्ध महिला मिली और एक बच्ची भी मृत मिली, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कल किसी चरवाहे का मेरे पास फोन आया कि यहाँ कोई वृद्धा जो मतलब पड़ी है वो उनकी सांसें चल रही है और बच्ची एक पड़ी है वो मृत है। तो मैंने तत्काल SHO रानीवाड़ा पद्माराम जी को फोन किया तो वो जल्द मतलब तत्काल आ गए और हम मौके पे गए। वहाँ जाकर के देखा तो एक लड़की तो मृत थी, 5-6 साल की बच्ची थी और जो वृद्धा थी उसकी सांसें चल रही थी। हमने तत्काल वहाँ से कंपाउंडर बुलाया, उसके वो बोटल शुरू करवाई और उसको जब होश आया तो फिर उसको रानीवाड़ा ले गए, एडमिट करवाया हॉस्पिटल जाकर के और बच्ची को PM के लिए हॉस्पिटल में रखवाया। तो बताते हैं कि वहाँ उस महिला को पूछा कि भाई वो रायपुर से आ रही थी, रायपुर से धूलिया डूंग जा रही थी, ठीक है ना। तो उसका ससुराल डूंगरी में है और रायपुर से आते वक्त जब ये रोड़ा की पहाड़ी है ना उसके पास वो अचेत होकर के गिर गई थी पानी नहीं मिलने की वजह से। और वहाँ क्या है, वन विभाग का क्षेत्र है और आगे भी दोहरे हैं तो 5-7 किलोमीटर वो पैदल चली होगी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसमें बेहोश होकर के गिर गई थी। और किसी ने जल तो बताया नहीं तो उनको बच्ची को तो बचा नहीं पाए, लेकिन वृद्धा की हमने जान बचाई। जागरूक टीवी की मालवाड़ा से प्रकाश राठौड़ की रिपोर्ट।